सन 2024 में तुला राशि के वार्षिक भविष्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल अच्छा ही रहेगा। किसी गंभीर बीमारी की आशंका नहीं है। बुरी आदतों का त्याग कर दें, किसी तरह के नशे से दूर रहें। वायु विकार, जोड़ों व नसों से संबंधित व्याधि, कमर दर्द जैसी बीमारियों की स्थिति रह सकती है। 30 जून से 15 नवम्बर के मध्य शनि की वक्र स्थिति के कारण वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और स्वास्थ्य में की गई लापरवाही कोई बड़ा रूप ले सकती है। बुजुर्गों की सेवा करें, जिससे गुरु बलवान होगा व स्थायी संपत्ति के योग बनेंगे। व्यापार, व्यवसाय व कारोबार की दृष्टि से इस समय व्यापार विस्तार की योजनाओं के लिए आप नित्य नई योजनाओं पर काम शुरू करेंगे। नए नए लोगों से व्यापारिक अनुबंधन होंगे। नई मशीनरी, तकनीक, हुनर व ज्ञान का उपयोग आप अपने काम में करेंगे। छठे भाव में वर्ष पर्यंत राहु की स्थिति यह दर्शा रही है कि व्यावसायिक प्रतिद्वंदियों से जरूर सावधान रहने की आवश्यकता है। मई के बाद देवगुरु बृहस्पति 8वें स्थान में आ जाएंगे, अतः कारोबार पर पकड़ थोड़ी सी ढीली पड़ेगी। वाहन, भूमि आदि पर खर्च होगा। संपत्ति संबंधी विवाद वर्ष की शुरुआत में तो उलझेंगे, परंतु धीरे धीरे सुलझ जाएंगे। 30 जून से 15 नवम्बर के मध्य कोई बड़ा ऑर्डर हाथ में आता आता रुक जाएगा। शनि की वक्र स्थिति के कारण व्यापारिक निर्णय गलत होंगे, जिससे तनाव व कश्मकश की स्थिति बनी रहेगी। घर परिवार का वातावरण खुशनुमा रहेगा। बृहस्पति वर्ष आरंभ में 7वें स्थान में है, अतः पति पत्नी आपस में सामंजस्य स्थापित करके कार्य करेंगे। गलत फहमियों व मतभेदों का निपटारा होगा, निराकरण होगा। संतान के करियर, अध्ययन, विवाह आदि को लेकर मन में चिंता रहेगी। भाइयों व रिश्तेदारों के कोई कान आपके खिलाफ भर सकता है। अपनी बुद्धि व विवेक का प्रयोग करके ही अपनी प्रतिक्रिया दें। संतान के कार्यकलाप आपको थोड़ी सी चिंता में डाल सकते हैं। संतान की संगति का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। 1 मई के पश्चात गुरु के 8वें स्थान में परिभ्रमण के कारण घर के किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ रहेगा। पिता पुत्र परिवार में हल्की फुल्की नोकझोंक हो सकती है। संपत्ति संबंधी विवाद हल हो जाएंगे। विद्या, अध्ययन, पढ़ाई, करियर इस वर्ष 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति 7वें स्थान में होने से लग्न पर पूर्ण दृष्टि है। यह समय विद्यार्थियों के लिए उत्तम फलों को देने वाला रहेगा। विदेश यात्रा के इच्छुक विद्यार्थियों को कागजात संबंधी परेशानियां दूर हो जाएगी। 5वें स्थान में शनि की स्थिति है, अतः प्रेम आकर्षित करेगा, परंतु प्रेम प्रसंगों में पढ़कर अपने करियर या अध्ययन के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करें। नौकरी में तयशुदा लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे। अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। 30 जून से 15 नवंबर के मध्य सहकर्मी आपके विरुद्ध कोई गुप्त योजना बना सकते हैं। यदि आप राजकीय सेवाओं में हैं तो आर्थिक मामलों में ज्यादा सावधानी रखें। इंटरव्यू, वाद विवाद, करियर व प्रमोशन से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा, विभागीय परीक्षा में सफलता मिलेगी। इस वर्ष 5वें से 5वें स्थान में होने से प्रेम प्रसंगों के लिहाज से ये वर्ष अच्छा है। प्रेमी प्रेमिका से मेल मुलाकात होगी, ज्यादा भावनाओं में नहीं आए। 30 जून से 15 नवंबर के मध्य शनि की वक्र स्थिति होने के कारण प्रेम संबंध कहीं न कहीं बदनामी का कारण बन सकते हैं या उससे पारिवारिक सुख शांति बाधित हो सकती है। मित्रों की संख्या बढ़ेगी, परंतु सच्चे मित्र नहीं मिल पाएंगे। वर्ष आरंभ में 3रे स्थान में मंगल गतिशील है, तो नवीन वाहन के योग इस समय बन सकते हैं। पुराने वाहन के रखरखाव पर भी खर्च होगा और 1 मई से पूर्व नवीन वस्तु, भूमि, भवन, वाहन आदि की खरीद के योग है। शुभ कार्य की रूपरेखा बनेगी। वर्ष पर्यंत 12वां केतु कुछ फिजूल के कार्यों में भी खर्च कराएगा। आमदनी से बढ़कर खर्चा होगा। इस वर्ष धन हानि की संभावना न के बराबर है। व्यापार में ऋण लेना पड़ सकता है, जो कि धीरे धीरे चुक जाएगा। 30 जून से 15 नवंबर के मध्य शनि के वक्र काल में किसी मित्र या घनिष्ठ व्यक्ति के साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इस वर्ष केतु 12वें स्थान में है, अतः धार्मिक यात्राओं के योग है। व्यापारिक यात्रा सार्थक नहीं होगी। वर्ष की शुभता बढ़ाने के लिए तुला राशि के जातकों को शुक्रवार को देवी दर्शन करने चाहिए। शुक्रवार को 7 मोगरे के पुष्प देवी के चरणों में चढ़ाएं। शुक्रवार को नहाने के पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के नहाएं और 5.25 रत्ती का ओपल रत्न, जो डायमंड का, रियल डायमंड का उपरत्न आता है, हीरे का उपरत्न आता है, उसे जड़वा कर गले में धारण कर लें। निश्चित ही नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।